जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आज आपकी होस्ट सुनीला अनवर जैकब जवे चैनल की तरफ से। आज हमारे साथ बहुत ही मशहूर हंसी खड़ी हैं, जिनको आज के दिन के हवाले से हम उनके व्यूज़ जानेंगे कि आज औरत मार्च के हवाले से, वुमेन डे के हवाले से उनके क्या ख्याल है और आज का ये दिन जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है हम उनकी गुफ्तगु सुनेंगे। जी मैम जी, ये हमारा 5वां औरत मार्च हो रहा है और इस दफ़ा हम लोगों ने तय किया कि हम इस मार्च को शहर के मेन स्ट्रीम में ले आएंगे, इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आप देखिए कि बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का टर्न आउट है, आम औरतें भी आ रही हैं, हर तबके की औरतें आ रही हैं, हर मज़हब की औरतें आ रही हैं, हर ज़ुबान की औरतें आ रही हैं। तो ये एक ब्रेक थ्रू है मैं समझती हूँ हमारे लिए, कि अब औरतों को एहसास होने लगा है कि हमें निकलना है, हमें आवाज़ उठानी है, हमें खड़ा होना है और हम अब खामोश नहीं रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने खुदावन की और उसके बाद जैकब जावेद टीवी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका हमें बख्शा कि हम अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाने वाले बन सके। सो मैं जैकब जावेद टीवी के लिए खुदावन से दुआ गो हूँ कि खुदावन इस चैनल को दिन दुगनी और चौगनी बरकतों से मालामाल कर। साल उन पर जद्दोजहद रहती है, कोशिश रहती है कि वो चीज़ें हम इस हुकूमत से मनवाएं, क्योंकि ये हुकूमत जो है बहुत पीछे है चीज़ों पे, बहुत चीज़ें फैसले, अभी आरजू का तो हमें पता ही नहीं है, वो किस्सा ही गायब हो गया, उसको क्या हुआ, वो माँ बाप के पास रह रही है लेकिन उसका कन्वर्जन तो देखे ना, ये इतने अभी तक इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कभी कुछ इशू न्यूज़ में आते हैं फिर लोग भूल जाते हैं। हम चाहते हैं कि ये इशूज़ ना भूले जाएँ, कोई कानून बने, सख्त कानून बने, औरतों के लिए कानून बने और ये एक उस दिन का एक टोकन है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आपने भी इनकी गुफ्तगु सुनी, हम औरत मार्च के हवाले से आज जो बातचीत कर रहे हैं तो उन्होंने किस तरह बताया, तो हम भी आज के दिन ख्वातीन होने के नाते, एक लड़की होने के नाते से मैं आपकी होस्ट सुनीला अनवर जैकब जवे चैनल पे ये बात करने शेयर करना ज़रूर चाहूँगी कि औरतों का जो आलमी दिन है, लाजमी नहीं कि सिर्फ एक दिन की औरत मोहताज है, औरत हर दिन की मोहताज है, औरत सिर्फ और सिर्फ आपसे इज्जत चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है। तो मेरी आज आप सबसे यही गुजारिश है कि आप तमाम औरतों को इज्जत दें। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से आज हम जिना ग्राउंड में हैं, मौजूद हैं, आप हमें बताएं कि आप किस मकसद के लिए, आपका क्या विजन है, क्या लेकर आप आई हैं यहाँ पे? मैं एक ऐसा माशरा चाहती हूँ हमारे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए, कि जब बच्ची या हम लोग घर से निकले ना तो हमें इस बात का खौफ और डर ना हो कि हमारे साथ क्या हो जाएगा, हम वापस आ जाएंगे, चाहे वो किसी कोई भी वक्त हो, कोई भी टाइम हो। मतलब अगर हम पढ़ने जाएं, काम करने जाएं तो हम सिक्योर हों, मतलब हमारे घर के बड़े भी सिक्योर हों, वो उनको भी जो है ये सोच हो कि हाँ भाई हमारी बच्ची साथ खैरियत से जा रही है, साथ खैरियत से वापस आ जाएगी। क्योंकि रोज़ रोज़ मरहला जो है औरतों के साथ तशद्दुद हो रहा है, औरतों के साथ रेप हो रहा है, बच्चियाँ बच्चे, मैं सिर्फ औरतों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही, मैं उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, उन ट्रांसजेंडर्स के लिए, उन सब के लिए यहाँ पे आई हूँ जो जिनका हक जो है इस माशरे में और इस मुल्क में मारा जाता है। आप क्या समझती हैं, आवाज़ जो आप उठा रही हैं इसके आपको कोई होप है, उम्मीद है कि ये आपके बेनिफिट में जाएगा, आप इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत कर रही हैं? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, उम्मीद लगाएंगे तो फिर कुछ मिलेगा ना, आज कोशिश करेंगे तो आगे जाके हमें कुछ मिलेगा ना। इमरान खान भी धरने दे दे के वजीर आजम बन गया तो हम क्यों नहीं अपने हकूक ले सकते। आप तो देखिए बेटा, आप तो यूथ है, यूथ है, हम तो ये सब कुछ भुगत चुके, हमारे वक्त पे ऐसा नहीं हुआ, हमारी आवाज़ हमारे अफसरों बारा तक नहीं पहुँच पाई। आप क्या उम्मीद करती हैं यूथ होते हुए, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में क्या डिस्कस करती हैं? मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ क्योंकि हर किसी को नहीं, अपने हक का पता ही नहीं है लोगों को, जो हमारे घर पे काम करने आती हैं वो कर रही हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके हक क्या है, हकूक क्या है, वो घर के काम भी कर रही हैं, वो बाहर के काम भी कर रही हैं, वो पैसा भी कमा रही हैं, वो घर पर भी लेके जा रही हैं, और मर्द क्या कर रहे हैं उनके घर का, उनको मार रहा है, पीट रहा है, उनके साथ तशद्दुद कर रहा है, तो उनको, उनके लिए भी अवेयरनेस है और उन ख्वातीनों के लिए भी अवेयरनेस है जो जो छोटे छोटे इलाकों में रहती हैं और जो वो यहाँ आ नहीं सकती। बहुत शुक्रिया मेहरबानी, आपने अपना टाइम निकाला, शुक्रिया। इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से जब हम जिना ग्राउंड में आए हैं और हम ये एक उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी दुनिया में अब ये जो वक्त जा रहा है, इस वक्त इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और हम अभी तक चीखें मार रहे हैं, अभी तक हम अपने हकूक मांग रहे हैं, तो क्या आप इस प्लेटफॉर्म में जो जिना ग्राउंड कहलाता है कुछ मिलेगा आपको यहाँ से, किस उम्मीद से आई हैं? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, इसलिए क्योंकि जो है वो एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ब्लाइंड बिहेवियर,
तो ये थीरी ये कहती है कि सबसे पहले जो है ना, कोई भी सोशल चेंज के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस क्रिएट करें। जब आप अवेयरनेस क्रिएट करते हैं तो खुद ब खुद ही सोशल चेंज उसे जब वो फॉलो थ्रू करता है। सो बेशक मिलेगा, हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और आप ये देखें कि ये 5 साल हैं औरत मार्च के, और पिछले 5 साल में ये अवेयरनेस किस हद तक के हो गई है। हर चैनल, हर जगह जो है वो हमारी आवाज़, हमारी बात पहुंचती है, और आम घर की आम औरतें जिन्हें जो वो शायद अपने हकूक का पता भी नहीं था, उनको भी एहसास होने लगा कि यार हाँ शायद, मतलब लाइक हो सकता है ये सही कह रहे हो। जबकि मेरे ख्याल में से कि ना बैकग्राउंड प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है, हमारे मैसेज को जो है वो घुमाया फिराया ज़्यादा जाता है। मतलब जो पेट्रियार्कल सिस्टम है वो नहीं चाहता कि जो है वो हमें वो हकूक मिले जो हम चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इतने साल से जब वो हम पिसते आ रहे हैं, दबते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग नहीं चाहते कि हमें वो हकूक मिले जो हम मांग रहे हैं। क्योंकि जब वो जो भी हुक्मरान होते हैं या जो भी दबाने वाला होता है, वो इतनी आसानी से अपना वो तो नहीं छोड़ता। शुक्रिया मैम, बहुत धन्यवाद।